ठीक है, आज हम लोग जो देखने वाले हैं इसमें क्या देखना है कि ऑक्यूलस को हम लोग को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है और उसे पार्टिकल्स को लाइक हॉल में उड़ाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज साइज लेते हैं 1920 एंड 1080 ऐसा कुछ करके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल द पार्ट, इसमें आप देखोगे यहाँ पे पिक्सल परसेंटेज इंचज सेंटीमीटर जैसे आपको देना है आप ऐसे दे सकते हो। आप यहाँ पे बाई डिफॉल्ट मेरे पास जो माया होता है वो सेंटीमीटर में होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल ऑली प्लेन ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, ऑलिव प्लेन ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं सिंपल द पार्ट, वेट कितना है, कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे एंड कंट्रोल वी देन एंटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइट कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे एंड कंट्रोल वी देन एंटर। ये देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हाट आई वांट, मुझे सेगमेंट्स नहीं चाहिए, नील कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक एंड असाइन, एक लैम्बर्ड में असाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं उस इमेज को कॉल करता हूँ जो इमेज है मेरे पास यहाँ पे। ओके, इमेज को मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से मैं स्विच करता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल वी एंड एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, ये है आपका ये पार्ट। ठीक है, प्रेस सिक्स करो, अगर अच्छा है आता तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यू पे गए एंड प्लानर। देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रेट कोड फॉर टाइमिंग मैं ऑफ कर देता हूँ। तभी मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है कि मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी सरफेस से मुझे इमिट करना है, तो चलते हैं एफएक्स पे, एफएक्स पे गए, पार्टिकल पे गए। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिट करना हो तो ये ऑप्शन आपको ट्राई करना है। ट्राई किया हमने यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ को मैंने यूज़ किया वो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये कैसे दिख रहा है, कॉर्नर कॉर्नर के एक पॉइंट से इमिट हो रहा है। यहाँ पे स्विच करो सरफेस को, सरफेस को स्विच किया आपने यहाँ पे, ये देखो। अभी यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मैंने आपसे जो ऑप्शन जो मैंने आपको बताया वो ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे दो ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो दो लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट एमिटर, ये एंड पार्टिकल वाला पार्ट है, ये लेगेसी वाला है। अभी पहले इसमें देखते हैं, अभी ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, पार्टिकल पे यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे। अभी एमिटर मेरे पास यहाँ पे, एमिटर पे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, ये पार्ट मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चीज़ को देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या कि मुझे यहाँ पे टेक्सचर के अकॉर्डिंग इमिट करना है, तो मैं बस चाहता हूँ कि इन तीनों पार्ट पे ये इमिट करें। ठीक है, तो स्विच टू फोटोशॉप, फोटोशॉप पे गए, पहला काम यहाँ पे लो सॉलिड, कलर लो ब्लैक। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट ऑलरेडी ही है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इमेज एडजस्टमेंट एंड डिसैचुरेट कर सकते हो इफ यू वांट, या फिर यहाँ से ले लो। सैचुरेशन ठीक है, देख रहे हैं हमें कुछ खास इम्पेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, अभी मैंने इसको ऐसे सेव कर दिया, फाइल सेव एज ALPH अल्फा टाइप से। ठीक है, एंटर टैब एंड जेपैक। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे स्विच करते हैं, यहाँ पे स्विच करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या है, टेक्सचर रेट पे जाना है, क्लिक करना है, फाइल पे गए एंड देन आपको यहाँ पे क्या लेना है, अल्फा यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करो। ठीक है, यहाँ से आप बाहर निकलो, यहाँ पे क्या एनेबल टेक्सचर रेट करो, अभी स्विच करो, देखो अब उतने पार्ट से निकल रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, दो काम मुझे यहाँ पे करने, पहले पार्टिकल्स को मुझे बढ़ाना है, तो पार्टिकल्स आप सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, पार्टिकल्स के जो आपके नंबर्स हैं मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1000 कर दिया। सिस्टम देख के ही काम करना, याद रखना ये जो वर्क होगा ये लाइक अच्छे सिस्टम पे ही काम कर, नॉर्मल सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क नहीं करने वाला, मेक श्योर ये आपको थोड़ा पता रहना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैं बस नीचे की तरफ जा रहा था, यहाँ पे आपको एक एन दिख रहा है, एन एन फॉर न्यूक्लियर। ठीक है, ग्रेविटी है इसमें, बाई डिफॉल्ट ग्रेविटी मिलता है, यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, तो अभी देखो ये पार्ट आपको कैसे दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये पार्ट ऊपर की तरफ भी जा रहा है, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाँ इसको हम लोग माइनस करेंगे तो नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल लेंगे तो नीचे जा रहा है। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर से पूरा पार्ट आ रहा है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसकी स्पीड को कम करना है। स्पीड को कम करने का मतलब क्या है, मैं अगर यहाँ पे न्यूक्लियर को यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पे है ग्रेविटी वन करके देखो, तो ये भी मेरे पास एक पार्ट है, देखो यहाँ पे ये इसी के शेप में इमिट हो रहा है, अभी इसके शेप में इमिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने पार्टिकल्स को बोला भाई पार्टिकल्स मुझे चाहिए, पार्टिकल की यहाँ पे स्पीड भी होती है बाई डिफॉल्ट, देखो यहाँ पे स्पीड दिख रहा है, यहाँ पे स्पीड मैंने कर दिया नील। ठीक है, देखो ये उसके शेप में दिखेगा,
अगर मैंने ग्रेविटी को कर दिया नील, ग्रेविटी है मेरे पास यहाँ पे, न्यूक्लियर पे गया और मैंने ग्रेविटी को क्या किया, ज़ीरो कर दिया। इज इट पॉसिबल ज़ीरो? देखो तो अभी आपके इसके पार्टिकल्स वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे पार्टिकल्स। अभी मुझे चाहिए पार्टिकल्स, मुझे एक साथ बहुत सारे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या 1000 था, 10,000 करके देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो सेप वो हो रहा है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, 120 को मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया 500। यहाँ देखो अभी आप यहाँ पे चाहो, यहाँ पे मैंने 10,000 का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ध्यान देना यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1,00,000 किया। ये नॉर्मल सिस्टम पे बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, नॉर्मल सिस्टम पे आप इतना पार्टिकल्स दोगे हैंग करेगा, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मेरे बेसिक लुक एंड फील आ रहे हैं यहाँ पे, बेसिक लुक एंड फील आने के बाद अगर मैं अपने प्लेन को हाइट कर देता हूँ, एच फॉर हाइट, बेसिक लुक एंड फील दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे क्या किया, अगर मैं यहाँ पे कंपोजिटिंग के साथ में प्ले करूँ, कंपोजिटिंग में क्या प्ले करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे पार्टिकल्स दे दिए, ठीक है। पार्टिकल्स कितने आ रहे, ये पूरे पार्टिकल्स मुझे दिख गए मेरे पास यहाँ पे। अभी इन पार्टिकल्स को मुझे प्ले करना है, इस पार्टिकल्स को मुझे यहाँ से हटा देना है। हटाना है मतलब कैसे, कि देखो ये मेरे पास यहाँ पे सेप आ गया। अभी मेरे पास जो लास्ट रेंडर है, लास्ट रेंडर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ तक कर दिया, चलो पूरा बेसिक लुक एंड फील आ गया यहाँ पे। अभी ये मेरे पास पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स को यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे देखो एक दो ऑप्शन और भी होते हैं। देखो यहाँ पार्टिकल्स है, ठीक है, इनिशियल स्टेट सेट फॉर सेलेक्टेड, ठीक है। देखिए एक बार, गो टू स्टार्ट फ्रेम, अभी वन फ्रेम पे ही आ गया, वो जो मैंने ऑप्शन यूज़ किया वन फ्रेम पे यहाँ पर आ चुका है। देखो अभी यहाँ पर आने के बाद अब इसके पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, मुझे अभी पार्टिकल्स की इमेज से नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने उसे फर्स्ट ऑप्शन पे लेके आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे पार्टिकल्स का जो इमिशन है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं सेट करता हूँ यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे इमिशन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर जीरो करूँ, इज इट पॉसिबल? देखो तो यहाँ पे अभी कुछ इमिट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा स्टेप बाई स्टेप देखना है यहाँ पे। अभी आपने यहाँ पे काम किया, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस सारे पार्टिकल्स को मुझे उड़ा देना है, ठीक है। तो पार्टिकल्स को हटाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, एयर लिया, ठीक है। पार्टिकल्स को सिलेक्ट करना जरूरी है, एयर पे क्लिक किया आपने यहाँ पे, अभी एयर पे क्लिक करते देखो यहाँ पे ये पार्टिकल्स उड़ना स्टार्ट कर देगा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, इम्पैक्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पे नीचे से दिख रहा है यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे पहले दिखाना है भाई मुझे 100 फ्रेम तक कोई इम्पैक्ट नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 फ्रेम पे गए, दिस इज माय 100 फ्रेम, 100 फ्रेम हुआ यहाँ पे, 100 फ्रेम पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड सेट की कर दिया, 98 पे जाओ यहाँ पे, इसको जीरो कर दो, ऑटो क्यों रखना, हो गया। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपके यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, आपको जो एनिमेशन दिखेगा कहाँ देखेगा, यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से मैंने क्या किया, ये मेरे पास एयर वाला पार्ट है, एयर वाले पार्ट को पकड़ो, एयर फील्ड है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने एयर को यहाँ से पकड़ा, इसकी पोजीशन में सेट करता हूँ, मुझे पोजीशन क्या चाहिए यहाँ पे, पोजीशन मुझे यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ से लिख के मैंने क्या किया 300 फ्रेम तक, अभी देखो यहाँ पे पोजीशन पे मैंने की दिया कि नहीं जाइए, देखो पोजीशन क्या है मेरे पास यहाँ पे, दिस इज माई पोजीशन, यहाँ पर मैं सेट करता यहाँ पे, ठीक है। अभी पोजीशन देखो यहाँ पर क्या मूव करो, ये मूव करो ना, तो यहाँ से मैंने क्या किया 100 पर जाओ और सेट की करते हैं, राइट क्लिक एंड सेट की किया। अभी यहाँ पे चलते 300 पे, 300 से यहाँ से यहाँ तक लेके गया मैं अपने आप की आ गया। अभी यहाँ से क्या मतलब होता है ये समझना, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कष्ट करो आप, यहाँ पे दिख रहा है, एक काम और करते हैं, 100 फ्रेम पे गए, अभी यहाँ से मैंने इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। एटोनेशन क्या होता है, एटोनेशन को समझा, एटोनेशन को मैंने यहाँ पे क्या किया, जीरो कर दिया पे, ठीक है। क्रॉस चेक करो, ये सब प्ले करने वाली चीज़ें दिख रहा है यहाँ पे, अभी सारे सारे पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा चेंज और भी किया, यहाँ पे चलते हैं 100 पे गए, 100 पे काम करना है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं कर देता हूँ लाइक काइंड ऑफ 20 प्ले करके देखना है एक बार, ठीक है। ये 20 किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 20 आएगा, ठीक है। तो अभी एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ यहाँ पे, अभी कुछ अलग इम्पैक्ट आया, ठीक है। अभी ये पार्टिकल्स कैसे लेके जा रहे हैं, अभी ये पार्टिकल्स को सीधे सीधे जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे पार्टिकल में थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए, तो वेरिएशन चाहने के लिए यहाँ पे क्या करना है,
इन पार्टिकल्स को फिर से सेलेक्ट करना, और कहाँ गए इफेक्ट्स फिल में आ गया, यहाँ पे एक होता है टर्बुलेंस, टर्बुलेंस में यहाँ पे वेरिएशन देता है, ये भी मुझे इसके साथ ही मैनेज करना है, ये भी ध्यान देना है, ये टर्बुलेंस मेरे पास यहाँ पे है ना, ये देखो स्टार्टिंग में ही काम करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, देखो हल्का हल्का इम्पैक्ट दे देगा, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, टर्बुलेंस को पकड़ना है, यहाँ पे मैं 100 फ्रेम तक इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक एंड सेट की, मतलब मुझे बताना है कि भाई इससे पहले इम्पैक्ट ना दे, ठीक है, इससे पहले मैं क्या यहाँ पे इसको मैंने कर दे 0, सेम चीज़ नहीं होगा। अभी यहाँ पे मैं जो एयर वाला पार्ट है, एयर वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे एनिमेट किया है, कहाँ से कहाँ तक किया, 300 तक किया है ना, तो इसको भी मुझे यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म को मुझे एनिमेट करना है, ठीक है, तो ये कौन सा एक्स है इसको भी सिलेक्ट करते हैं एक्स पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड सेट की कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और 300 पे गए, आज 300 पे इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे की आ गया यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे अगर मैं प्ले करूँ, यहाँ पे क्रॉस चेक करूँ, यहाँ पे ओके, एक चीज़ और ध्यान देने, मेरे पास जो टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस का मेरा पहला फ्रेम कहाँ होना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे देना चाहिए, ये मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, लास्ट फ्रेम कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखें, यहाँ पे चाहिए कैसे दिखे, अभी मैं इसके जस्ट पावर से प्ले करने वाला हूँ, पावर साथ कैसे प्ले करूँगा, देखो यहाँ पे ये एयर साथ ये उड़ भी रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, टर्बुलेंस है मेरे पास, यहाँ पे टर्बुलेंस का पकड़ो, टर्बुलेंस कहाँ गया मेरे पास, यहाँ पे टर्बुलेंस 100 पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 50 अराउंड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो अभी क्रॉस चेक करें यहाँ पे, यहाँ पर वेरिएशन दिख रहा है यहाँ, तो आप ऐसे कुछ वेरिएशन दे सकते हैं यहाँ पे, जितने आपको वेरिएशन देने हैं आप यहाँ पे इन चीज़ों को देखें, यहाँ पे ऐसे कितना वेरिएशन आपको देना है, तो अभी आपको जो प्ले करना है वो इनके साथ ही आपको प्ले करना है कि आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे है, ठीक है, ट्रेवलिंग यहाँ पे एटोनेशन को मैंने कम कर दिया यहाँ पे, तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा यहाँ पे, तो जब तक आप प्ले नहीं करोगे तब तक आपको आपको लाइक डिजायरेबल आपको इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, देखें यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो एटोनेशन मैंने कम किया, तो एटोनेशन नहीं देखो, एटोनेशन कम करने के साथ यहाँ पे देखो कैसे जा रहा है, जस्ट ऑब्जर्व इट की, ठीक है, चीज़ें जा कैसे यहाँ पे, ये यहीं से स्टार्ट हो गया, अभी एटोनेशन का देखो कितना बड़ा रोल है, वो वहीं से उसने आने नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है, तो मैं अगर एटोनेशन पे की लगा दूँ, तो एटोनेशन में बस 1 है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, अभी मैंने यहाँ से मैंने क्या किया, इस पर मैंने किया सेट की, यहाँ से 300 तक जाते जाते मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया, अभी देखो यहाँ पे चाहिए मेरे पास, यहाँ पे प्ले होता नजर आएगा यहाँ पे, चलो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या क्या क्रिएट किया, एक लाइट लिया यहाँ पे, डायरेक्शन लाइट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, R4 स्केल बड़ा कर देते हैं, बड़े करने से कोई बेनिफिट नहीं है, बस दिखेगा हमें यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऐसा छोटा ये रोटेशन दे दिया, अभी हम लोग रेंडर करते हैं आर्नोल्ड पे, मुझे रेंडर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, रेंडर दिख रहा है यहाँ पे, अभी रेंडर करने में देखो मैं पे अगर देखो मैं बस कलर नहीं है, वो सिंपल ग्रे कलर ही दिख रहा है, तो एक सिंपल सा पार्ट मैंने आपको बताया था, जो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो एंड पार्टिकल्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एड डायनेमिक एट्रीब्यूट है, ठीक है, पर्ड पार्टिकल एड है यहाँ पे, इस पर है ना कलर पे गए, एड पर्ड पार्टिकल एट्रीब्यूट पे कर देना, तो यहाँ पे क्या होता है, वो कलर भी देना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं चीज़ को देखूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ इसके साथ एक चीज़ और भी था, अगर आप यहाँ पे पार्टिकल भी आते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना गैलेक्सी वाला डेटा आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, ठीक है, ये दिस इज माय पार्टिकल एंड वेयर इज माय एमिटर, ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे एमिटर पे गए, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने यहाँ पे भी मैप कॉल किया यहाँ पे, ठीक है, इनहेरिट कलर कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, पार्टिकल्स पे गए, मुझे यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, जो मेरे पास यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है, अभी क्रॉस चेक करो यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे ये काम करता है नहीं करता यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं चीज़ को देखूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ पार्टिकल्स में देखेगा कि भाई मैंने ये चीज़ को मैनेज किया, रेड कलर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और देन पार्टिकल्स हमने यहाँ पे किया ना हमने यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है, तो अभी इन सब चीज़ें मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, थोड़ा चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, और इनके साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा सकता हूँ, भाई मेरे पास ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे अभी चीज़ें कैसी हैं, जैसे ठीक है यहाँ पे इसमें भी हम लोग बहुत सा प्ले कर सकते हैं, ठीक है, अभी जितना प्ले करोगे उतनी आपको चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, क्या, तो जस्ट मैं यहाँ पे छोटा सा काम करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया,
कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो, देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखा, पहले फ्रेम पे मैं ऐसे दिखा दूंगा, मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मेरे पास ये प्लेन है, सिंपल प्लेन दिखेगा, प्लेन लाइक दिस, ऐसा कुछ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट नीचे किया यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम मेरे पास ऐसा दिखेगा, ओके। जब ये एनिमेशन होगा, पहले फ्रेम ऐसे देखिएगा, यहाँ से जो एनिमेशन होने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 100 फ्रेम के बाद मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल्स वाला पार्ट देखना स्टार्ट होगा, ओके। तो अभी एक आपने स्टार्टिंग फ्रेम में आपने ऐसा कुछ कर लिया, इसको आप हाइड करोगे, दूसरे पार्ट में आपको ऐसा कुछ करना है। मैंने जो इसका दूसरा जो प्लेन लिया है, इस पर मैं दूसरा लैम्बर्ड लगाऊंगा, और इसमें मैं वहाँ पे जो बैकग्राउंड लूंगा, सिंपल बैकग्राउंड होगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरे तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा पार्ट यहाँ पे आ गया, तो मैंने अभी इसको भी ऑफ किया, इसको भी ऑफ कर दिया, यहाँ पे ऑफ कर दिया, मैं सिर्फ बैकग्राउंड हो गया, फाइल सेव है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बी जी कैबिन जे पैक, यहाँ देखा। अभी यहाँ पे जाके मैं माइक के अंदर क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैंने बी जी यहाँ पे पिक कर लिया। अभी क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये पार्ट मेरे पास ऐसा हुआ, और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्ले किया, प्ले करने से क्या हुआ भाई, आपके पार्टिकल्स उड़ गए और आपका बैकग्राउंड ऐसा का ऐसा ही आ गया। तो ऐसे करके आप एक शॉट रेडी कर सकते हो, ठीक है। रेंडर करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया रखा, आप ऐसे रेंडर निकाल सकते हैं।